हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में, घर में अगर उग जाए पीपल का पौधा, भूल कर भी ना करें ऐसा काम। पर इससे पहले दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे जीवन में घरों और आसपास जगहों पर पेड़ पौधे का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये हमें जीवन देते हैं। वास्तुशास्त्र में भी कई तरह के पौधे का अपना विशेष महत्व होता है। इससे घर में नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इन्हीं में से एक है पीपल का पौधा। आइए जानते हैं कि घरों में किन पौधों को लगाने से बचना चाहिए। अपने घर में हमेशा ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो हमें फूल देते हों, क्योंकि फूल से घर का वातावरण अच्छा रहता है और सकारात्मक एनर्जी आती है। घर में कांटेदार या दूध निकलने वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। आजकल बेडरूम में तरह तरह के पौधे लगाने का चलन बढ़ गया है, लेकिन वास्तुशास्त्र के नजरिए से ये अशुभ होता है। इससे पति पत्नी के बीच रिश्ते में तनाव बढ़ता है। यदि घर में दीवार पर पीपल का पौधा उग जाए तो उसे पूजा पाठ करके गमले में शिफ्ट कर देना चाहिए। भूल कर भी इसे काटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ में तीनों देवों का वास होता है।